should've known better than to trust in love, huh? अस्सलाम वालेकुम, दिस इज असीम नसीम खान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। नहीं, मैं नहीं उम्मीद करता आप सब खैरियत होंगे, क्योंकि हम खैरियत से नहीं हैं। हमें उम्मीद ही नहीं आप क्या खैरियत से रहें। और क्योंकि आज हम व्लॉग इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आज हमारा सिक्स सेमेस्टर में लास्ट ईयर आखिरी दिन है और हमारा ये जो सिक्स सेमेस्टर है खत्म हो रहा है। और हमने पेपर कैसे दिए वो हमें ही पता है। वो आप हमारी टिकटॉक आईडी वैसे मेंशन कर दो, उसमें देख लेना। उसमें आप देख लेना हमने पेपरों की कैसी स्कीमें बनाई हैं। ठीक है, तो अली भाई चलें यूनिवर्सिटी का टूर करते हैं, कोई एक दो बंदों को मिलते हैं, देखते हैं हमारा क्या होता है। आज लास्ट पेपर है जिसका मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, आप देखते हैं पेपर कैसा होता है। अच्छा भाई, तो अब हम घूम रहे हैं इधर उधर। ठीक है, पढ़ने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा हमारा। और मैंने मास्क इसलिए पहन लिया क्योंकि भाई यहाँ पे SOP सख्त हो रहे हैं, जिस तरह कोरोना बढ़ रहा है उन्होंने कहा भाई मास्क पहनना दोबारा स्टार्ट करो। मगर राजा मौजूद अली ऐसा है ना, इसने फिर भी नहीं मास्क पहना। क्यों भाई, मास्क पहन ले आप। रूल बने किस लिए जाते हैं? रूल बने किस लिए जाते हैं? तोड़ने के लिए ना, बस पाकिस्तानी है वहाँ। अच्छा भाई, तो अब हमने जुमा पढ़ लिया है। ठीक है अली भाई, हमने नेकी का काम कर लिया, अब हम जा रहे हैं किधर, अपने डिपार्टमेंट की तरफ। गुनाह का काम करने यार पहले नेकी बाद में हम पढ़ेंगे। हमने कहा पहले दुआ कर लें कि लास्ट पेपर अच्छा हो जाए, हाँ कामयाब कर दे सेमेस्टर में हमें। तो चल लेते हैं फिर अली। आपका लास्ट पेपर है, आपकी तैयारी है? बिल्कुल नहीं है। कुछ करना है? कुछ चीटिंग? हेलो, कोई हाथों पे लिख के लाएंगे? गलत बताया ना करो, ठीक है ना। ये हमारी तबिंदा ब्रो, तबिंदा ब्रो, आप क्या करके आएंगे? कोई तैयारी की है आपने? आपका लास्ट तैयार हो क्या? ये तो छोड़ दो, आपका लास्ट पेपर है। हाँ। आपने कुछ तैयारी की है? नहीं। बस देखा ये नमल वालों क्या हाल है। अच्छा जी, आपके पेपर की तैयारी नहीं है? हैं, पढ़ रहा हूँ यार, ये देखो दीदी पढ़ रहा है, ये बेचारा भाई पढ़ रहा है। पता नहीं रूल ऑफ थर्ड इधर किस में आ गया यार, ये हमारी PR है तुम्हारी। ओह यार जाओ यार, हमसे बात ना किया करो तुम लोग, जाओ यार। अच्छा तो फायदा, आप तैयारी करके आई हैं? बिल्कुल भी नहीं यार, अभी पढ़ रही हूं। लास्ट पेपर और बिल्कुल नहीं आपने तैयारी की? झूठ झूठ आपने बोला था, झूठ। और पेपर में एक्स्ट्रा शीट ली, एक्स्ट्रा शीट सबसे ज्यादा लगाती हूं। मेरी बात सुनो, इस सेमेस्टर तुमने सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा शीट। अस्तगफुरुल्लाह, मैं क्लास का सबसे नालायक बच्चा हूं। तुमने लिया एक्स्ट्रा? मैं क्लास का सबसे नालायक बंदा हूं। हां बस मान लो तुम ये बात, हां रिजल्ट आएगा तो देखेंगे। ठीक है, देख लेंगे। मोची ब्लाइक ना, मैं रटे मार रहा हूं। आपकी कैसी तैयारी है? मेरी तैयारी बिल्कुल फारग है। मैंने कहा मुझे कुछ आता नहीं तो चलो ब्लॉग ही बना। ये नोट्स, ये देखो मेरी गंदी राइटिंग समझ आ रही है आपको? बिल्कुल नहीं, चीटिंग भी नहीं कर सकते, इसने मेरी कोई चीटिंग करता भी नहीं। कल क्या हुआ, कल सुमन मेरे से पूछ रही थी, मैंने कहा क्लास का टॉपर जो है मेरे से पूछ रहा है, मुझे प्राउड फील हुआ। मैंने कहा बड़ी बात है, यार आजकल वो तैयारी टीचर अच्छी हो गई। आपकी तैयारी है? बिल्कुल नहीं है। लास्ट पेपर है, कोई डर भी नहीं है आपको? डर है मतलब तैयारी नहीं है, शर्म आनी चाहिए इंसान को, तैयारी नहीं आपने की बिल्कुल भी। और ये मुतमईन बगैरत, और मुझे तो था बात, क्यों नहीं भाई मुझे तो बात फिर पूछ ना मेरे से। अच्छा सही है। अच्छा भैया, अब हमने पकड़ा हारिस भाई को। हारिस भैया मैं बिल्कुल लिफ्ट नहीं करा थे, लड़कियों को पढ़ा रहा था, इतना बगैरत है ये लड़कियों को पढ़ा। हारिस तू हम लड़कों को, मुझे खुद हम लड़कों को मैं कैसे पढ़ा सकता हूँ? अरे झूठे, ये झूठ बोल रहे हैं। पेपर में ऐसा लिख रहे होते हैं, ऐसा लिख रहे होते हैं, ऊपर मुड़ के देखते भी नहीं। कौन लिख रहा होता है, कौन यार? मैं बताता हूँ तुम लोगों को गाइस, इतने बड़े चीटर है, इतने बड़े चीटर है कि हर पेपर में असीब को सर अपनी जगह से उठा देते हैं। यार वो किसका कसम नहीं उठाते, उठाते हैं, उठाते हैं ना। और अली को ऐसा जलील कर रहे होते हैं, ऐसा जलील कर रहे होते हैं, लेकिन कोई शर्म है यार चीज की, नाम नहीं हो रही है। हमें शर्म होनी भी नहीं है, हम शर्म लुटा चुके हैं। बस बस बस, तैयारी है? तैयारी है, आपको मेरे मार्क्स देके पता चलेगा। अब आपके मार्क्स मैं तो नहीं ना दिखा सकता, मैं तो नहीं दिखा सकता, देखोगे ना? अच्छा, तैयारी क्या सी, ऊपर वाली थी या नीचे वाली थी? और ये क्लास की एंड में बैठ के सही चिटिंग कर रही होती है ऐसी जबरदस्त। और जितनी इसकी जितनी इसकी हाइट है ना, उससे बड़े काम कर रही है, जितनी इसकी हाइट है।
जितनी इसकी हाइट है ना उतने काम कर रही है। अच्छा तो फाइनली हारिस भाई ने न्यू शूज ले ही लिए। क्यों हारिस भाई? ये लोग मुझे कह रहे थे ना और इससे गंदे भी किए मेरे, दोबारा लेकर आओ, मैं अभी बाल खोल के आई हूं। अब मैंने दोबारा गंदे कह रही है, मुझे दोबारा लेकर आओ, मैं बाल खोल के आई हूं, अच्छी आऊंगी यार। आप जितने भी बाल छोट कर ले आप वो छोटे आप वो छोटी। ये हमारी क्लास की बहुत प्यारी बच्ची है, खूबसूरत खूब रू, इसको देख के मुझे लगता है जन्नत की उरे कैसी होंगी। ठीक है उदयर भाई, आज उदयर भाई के पीछे बैठेंगे। सारे मुझे क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो? आज आज के पीछे बैठेंगे हम। उदयर भाई जो है ना सबसे भाई प्रो है चीटिंग में। अच्छा और तू? मैं भी खालिद से पूछूंगा। और तू? मैं इन तीनों से पूछूंगा। और तू? और मैं जो हूँ ना मैं अली से पूछूंगा। ठीक है डन। तुम लोग ना मार्कर यूज किया करो। अच्छा हम देखते नजर ही कुछ नहीं आता। चल मैं भाई मार्कर से लिखा कर रहा हूँ। रेड मार्कर, रेड और रेड और ग्रीन मार्कर यूज करूंगा। हाँ हर कोई किसी और पर डिपेंडेंट था लेकिन घूम फिर के अली पर आगे अली मुझसे पूछते हैं। जबरदस्त, वाह 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 बाबा जी। आज तो आप है, क्या हो गया आपको? फुल टाइम जो है मैंने कहा चेंज ले। अच्छा अच्छा इधर आओ, इधर आओ। अच्छा थोड़ा ट्रेडिशनल जो है कैसे पहन ली जाती है आपको, मैंने कहा चिल हो के। अच्छा ठीक है जबरदस्त। पेपर की तैयारी है? पेपर की बड़ी जबरदस्त तैयारी है। अच्छा बा फिर मैं चीटिंग करूंगा आप पिछले आधे घंटे में तैयारी। अच्छा बहुत जबरदस्त, चल ठीक है। अच्छा भैया आरिस तुम्हारा पेपर ले आए हैं, आग लगा दी मैंने पेपर में। और इन्होंने इन्होंने एक्स्ट्रा शीट लगाई है यार, एक्स्ट्रा शीट से अकॉर्डिंग टू सम पर्सन इंफॉर्मेशन। ओके पर्सनल वो पर्सन आप मुझे बताएं ना। अच्छा, आप मुझे बताएं तो मेरा तो पेपर बहुत अच्छा हुआ है, बहुत आसान क्वेश्चंस आए थे और मैंने तो पढ़ा भी था। ये लोग पढ़ते नहीं है, मैं पढ़ता नहीं हूँ मगर फिर भी मैं एक्स्ट्रा शीट लगाता हूँ। आप क्या कहना चाहते हो? यूजिंग एक्स्ट्रा शीट डजंट मीन कि आप लाइक हैं। मगर मगर तुम जैसे लोग जल जाते हो। मुबीन भाई है ना हमारी क्लास के, मुबीन भाई आपने हमारे व्लॉग्स में देखा होगा, वो इतनी एक्स्ट्रा शीट लगाते हैं, इतनी एक्स्ट्रा शीट लगाते हैं और नंबर उनके इतने कम आते हैं। आप क्या कहना चाहते हो? वक्त बड़ी तेजी से गुजर जाता एकदम, वक्त बदल दिया है, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ऐसा नहीं होना चाहिए। यूनिवर्सिटी की पैसे की डिग्री 8 साल कर दी। हाँ ये मैं एक वो करता हूँ, अपील करता हूँ। अच्छी सी अपील है कि 6 सेमेस्टर नहीं 8 सेमेस्टर, 4 साल के बजाय 6 साल की कर दो। 6 साल की नहीं, हाँ 2 साल और डाल दो। ठीक है तो यहाँ पे हम अपना ब्लॉग खत्म करते हैं क्योंकि भाई हमारा अब 6 सेमेस्टर भी खत्म हो चुका है। अब यूनिवर्सिटी में हम आपको मिलेंगे 7 के साथ बहुत सीनियर और इंशाल्लाह रैगिंग करते हैं। इंशाल्लाह रैगिंग आएगा इंशाल्लाह नमल की तरफ से। ठीक है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अच्छा भाई तो मुबीन भाई पेपर देके आ चुके हैं। ठीक है मुबीन भाई, बिल्कुल मुबीन भाई ने सर के साथ लाइटें बंद करवा के आए। मैंने सर के साथ लाइटें बंद करवाई, आखिर में सर ने जो स्टेप डांस किया आप अच्छा। सोचे अनबिलीवेबल डांस किया सर ने, सर ने डांस किया वो भी स्टेप डांस और वो भी कोई मेरे ख्याल में कोई ब्रिटिश भी इस तरह का नहीं कर सकता। और स्टेप डांस नहीं से ब्रेक डांस कहते हैं। अच्छा नहीं नहीं कट हो गया बट ठीक है ब्रेक डांस। अच्छा फिर ब्रेक डांस किया। अच्छा हाँ स्टेप सर ने बहुत अच्छा स्टेप डांस किया और हमने बहुत इंजॉय किया। आखिर में सर कहता पेपर जल्दी दो मैंने और दोबारा जाके इंजॉय करना।